भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी डॉक्टर के राधाकृष्णन चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ गवर्नेंस आईआईटी कानपुर, डायरेक्टर आईआईटी कानपुर प्रोफेसर अभय कारिंदकर जी, फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आईआईटी कानपुर के इस दीक्षांत समारोह में प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में मैं प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और आईआईटी कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि गुणवत्तापरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में हमारे देश के तकनीकी संस्थानों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी ने जो विजन 21वीं सदी के लिए इस देश को दिया है, इसमें उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजेनस टेक्नोलॉजी की संज्ञा दी है। स्वाभाविक रूप से 21वीं सदी में हम भारत की और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में हम सब की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस दिशा इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र दिया है। आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए इस देश ने 2020 में अपनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की है, जो एक नए भारत की एक नई तस्वीर हम सब के सामने प्रस्तुत कर रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा से एक नई पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश में आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईएम लखनऊ जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं वर्तमान में मौजूद हैं, जिनके माध्यम से प्रदेश के संस्थाओं को, प्रदेश के युवाओं को एक नई मार्गदर्शन प्रदान करने में सदैव सहायता मिलती है। और आईआईटी कानपुर ने तो राज्य सरकार के साथ पारस्परिक सहयोग के अनेक उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं, चाहे वह प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टअप की नीति को क्रियान्वित करने की दिशा से स्थापित करने की कार्रवाई रही हो, या फिर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रदेश के एक तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोगी प्रदान करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश ने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गैर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी अपनी एक नई स्टार्टअप नीति 2020 लागू की है। राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश का जो पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया था, यह केंद्र स्टार्टअप को बढ़ावा देते हुए 5 वर्षों में 250
स्टार्टअप को अपना सहयोग प्रदान करेगा। यह व्यवस्था रक्षा प्रौद्योगिकी तथा कृषि प्रौद्योगिकी में भी उत्कृष्टता के लिए स्थापित उन केंद्रों के अतिरिक्त है जिन्हें पूर्व में IIT कानपुर में राज्य सरकार की साझेदारी से स्थापित किया है। IIT कानपुर तथा AKTU के द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्त पोषण से AKTU में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंच स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से AKTU की फैकल्टी और वहां के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। IIT कानपुर के साथ वर्तमान में राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना जैसी महामारी की चुनौतियों से सफलतापूर्वक सामना करने के लिए स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर एक नए सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए अपना सैद्धांतिक सहमति दी है, जिसमें IIT कानपुर और राज्य सरकार की संस्थाएं KGMU, AKTU आदि संस्थाएं मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। यानी केवल स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्रदेश की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में उपयोगी सिद्ध होने के साथ ही राज्य में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के इकोसिस्टम के बढ़ावा देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर एक मॉडल स्थापित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के इस मॉडल का अध्ययन IIT कानपुर ने उत्तर प्रदेश नीति, युक्ति और परिणाम के एक विशिष्ट शोध के माध्यम से भी किया है। आने वाले समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की फैकल्टी को प्रशिक्षण देने, छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उन्हें रोजगारोन्मुखी बनाने का मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए IIT कानपुर के हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज प्रदेश और देश जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, इन बदली हुई परिस्थितियों में व्यावसायिक संस्थानों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने, कई ऐसे ट्रेड जिनकी वर्तमान में उपयोगिता नहीं रह गई है, उन्हें उनके स्थान पर आज की नई आवश्यकता के अनुरूप हम ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे सेक्टर में भी IIT कानपुर के सहयोग की अपेक्षा राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार ने इस दिशा में प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से प्रदेश के इस औद्योगिक नगर कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और IIT कानपुर को 54वें दीक्षांत समारोह में हृदय से बधाई देता हूं। यहां के जिन स्टूडेंट्स को आज उनकी डिग्री अवार्ड की जा रही है, हमें विश्वास है कि वह प्रधानमंत्री जी के इस नए भारत के विजन को देश और दुनिया के सामने अपने ज्ञान से, अपनी दक्षता से प्रस्तुत करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।